काफी समय से विरोध भी किया, विधानसभा में विरोध किया लगातार, और सामूहिक रूप से आज हम जयपुर में बीजेपी के कार्यालय पे इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति है, हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं और हमारी कोशिश ये है, हम नेताओं से मिलेंगे और अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है, लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमे भी करती है और जातिवाद का पूरा है, दादागिरी होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सब चीज भी धमकी देती है। ठीक है, पार्टी की पहली सूची है, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई है, उसमें इंदौर विधानसभा से राजकुमारी जी जाटव को उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि स्थिति ग्राउंड लेवल पे उनकी बिल्कुल नकारात्मक है। 5 साल से विधानसभा क्षेत्र में वो दिखाई नहीं दी है और जो महिला की जो मान मर्यादा चरित्र के जो भारत में गुण गाए जाते हैं उनके खिलाफ उनके जितने भी कर्म हैं वो सार्वजनिक होते। देखो महिला ये देखिए सिगरेट पीते हुए स्मोक कर रही है सार्वजनिक रूप में, ये देखिए जो हमारे करौली जो सांसद हैं मनोज राजौरिया जी उनके खिलाफ गाली गलौज की उनकी वीडियो वायरल हुए हैं, बाल नोच लूंगी और अश्लीलता जैसी हरकतें, एक विधायक जैसे पद पर रहते हुए किसी इंसान को सोवा नहीं देते। और हिंडौन विधानसभा में आप किसी भी भाजपा किसी भी उम्मीदवार को वापस इनका टिकट बदल के लाए हिंडौन विधानसभा एक्सेप्ट करेगी, पर इनको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और सभी में रोष है। देखो कितने सारे लोग आए हैं और सभी के सभी राजकुमारी जी के विरोध में है, अगर यहाँ बात नहीं बनती तो सब दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली में धरना देंगे और लास्ट तक धरना देंगे, जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक धरना देंगे। राजकुमारी मुर्दाबाद, राजकुमारी मुर्दाबाद। टिकटों की घोषणा उनसे भी हम मिले थे, सभी समाज के लोग मिले थे, उनको भी हमने व्यक्तिगत कराया था कि मतलब जो कैंडिडेट राजकुमारी है उसको छोड़ के आप किसी को भी टिकट दे सकते हो, पूरी पब्लिक उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अगर राजकुमारी को टिकट दिया जाएगा तो उसको हर स्तर पर विरोध भी होगा और उसको वोट भी नहीं। इसके आगे की क्या, उसके बाद में अभी तक जो मतलब यहाँ आप बोल रहे थे कितने दिले हुए, हमारे वहाँ गांव समाज की पंचायतें जुड़ रही हैं और सब लोगों में इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि राजकुमारी का टिकट कैंसिल किया जाए और किसी को भी दिया जाए तो पूरी पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पूरे जोश के साथ में राजकुमारी का टिकट नहीं चेंज करते हैं तो क्या रहेगा, नहीं चेंज करते हैं तो राजकुमारी पिटेगा, ये कन्फर्म भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नहीं जीतेगी, फिर दोबारा से कांग्रेस को मौका मिलेगा। ठीक है।